नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड बताओ। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बचाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आज 12 अक्टूबर है और रात के 11:30 बजे हुए मार्केट ऑफ है इस टाइम पे। बट एक शेयर के अंदर मूवमेंट बना, मुझे लगता है कि इसमें अब और भी अप ट्रेंड आएगा और जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 20 से 25 दिन में ये दोनों टारगेट हिट होंगे। आप अपने प्रॉफिट बुक करिएगा टाइम टू टाइमली और बाकी अपने कैपिटल को मल्टी ग्रो करिए। ठीक है दोस्तों, मैं सारे शेयर जो आपको बताता हूँ वो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बताता हूँ, कोई इंट्राडे नहीं बताता हूँ। अपनी कैपिटल को लॉस बिल्कुल मत करना, पीसेस के साथ होल्ड करेंगे तो आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। और अभी तक कि मेरी 90% कॉल सारी हिट हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन करके, बाकी सभी वन ने कंपनी के बारे में सुना होगा कंपनी कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी जो नाम है कैस्ट्रॉल, हम पेट्रोल पंप तो जाते हैं तो कैस्ट्रॉल सबसे पॉपुलर ब्रांड है क्योंकि हर तीसरी गाड़ी के अंदर कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डलता है। तो कैस्ट्रॉल के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन आपको जरूरत नहीं है। कैस्ट्रॉल किस तरह की कंपनी है, क्या करती है, इंजन ऑयल का मेकिंग करती है, ठीक है, ऑटो रिपेयर वर्कशॉप ये चलाती है, इन्वेस्टिंग करती है, ये सारा कंपनी का वर्क है। तो अब समझते हैं भाई आज ये कंपनी का ओवरव्यू, शेयर किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, मैंने गूगल पर ओपन कर लिया कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का। तो आज ये 3.5% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है, क्या वजह है वो भी आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आज ओपन होता है 144 रुपये पे, हाई मारता है 149.50 पैसे का, लो मारता है 144 का। तो इसका 52 हाई है 154.90 पैसे, 52 लो है इसका 104 रुपये का, ठीक है। तो ये इसके ओवरव्यू है इसका आज के शेयर का ट्रेडिंग का। आप समझते हैं भाई NSE पे कितना वो रहा है इसका आज का बिजनेस, कितनी डिलीवरी उठाई गई। ये देखिए 33% डिलीवरी उठाई गई है आज की डेट में ही, ठीक है। ये देखिए, ये कैस्ट्रॉल इंडिया ही है, ठीक है। तो आज के दिन में इसमें डिलीवरी कितनी उठाई गई है, 33.50% इसमें डिलीवरी उठाई गई आज के दिन में। अब और समझते हैं इसके अंदर। अब देखिए, ये मैं मनी कंट्रोल की साइड पर आ चुका हूँ, तो पहले इसमें समझते हैं, इसमें वेरी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, आज के ही दिन में कितने हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है, अभी आगे भी समझाऊंगा आपको। ये देखिए, इसमें 80% हमें एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के लिए। अब इसका होल्डिंग समझ लेते हैं, शेयर होल्डिंग किससे। देखिए, प्रमोटर्स के पास इसमें 51% है, पब्लिक के पास 20% है, DIs के पास 16% है, FIs के पास 12%, क्योंकि ये MNC कंपनी है 12% FIs के पास है। अब इसका समझते हैं भाई कंपनी का मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप इसका 14,634 करोड़ का मार्केट कैप है। PE इसका काफ़ी अच्छा है, ROC भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है, ठीक है। बुक वैल्यू थोड़ा अंडर वैल्यूड में चल रहा है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू 5 रुपये का है। ये हो गया, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, कंपनी कर्जा मुफ्त है, कंपनी हर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दे रही है, कंपनी ROE 3 साल में काफ़ी अच्छा ROE कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा पे आउट कर रही है। और कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी अपना कर्जा जो कम करने के डेज है, यानी 34.66 लेकर 21.98 पर पहुँच चुके हैं डेज, ठीक है। ये अच्छी बात है, बाकी कंपनी के बुक वैल्यू अंडर वैल्यू के अंदर चल रहा है। अब देखिए, ये जून क्वार्टर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें अच्छा प्रॉफिट था, बट क्वार्टर क्वार्टर डाउन था। बट जून क्वार्टर में ये ईयर वाइज चेक करेंगे तो अप ट्रेंड था। देखिए, जून 2020 के अंदर 95 था, वहीं प्रॉफिट इसका जून 21 के अंदर प्रॉफिट 198 था, यानी कि 100% ही मान लीजिए इसमें अप ट्रेंड था ईयर वाइज चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका EPS भी अप ट्रेंड की तरफ है। ये देखिए, दिसंबर में यानी कि ईयर वाइज डाउन हुआ था, बट अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था 2022 का जो क्वार्टर आएगा, क्वार्टर रिजल्ट आएगा, ईयर वाइज रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर इसके अच्छे रिजल्ट सेल देखी जा रही है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें 1000+ सेल प्रॉफिट आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी MNC कंपनी है, कंपनी पर कर्जा भी धीरे धीरे अपना कम कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझने वाली होती है, कंपनी का मेन पॉइंट क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री हो चुकी है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है। अब देखिए भाई, ये तो स्कैनर, मैं टिकट टेप की साइड पर आ चुका हूँ, इसमें हमें 56% हम एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के लिए। ये देखिए, कॉमोडिटी केमिकल्स के अंदर डील करती है, वो मैंने आपको बता ही दिया आपको, ठीक है। 1 डेज के अंदर इतना दिया, अभी 1 वीक के अंदर ने 2% रिटर्न दिया, 1 मंथ के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया देख लेते हैं, 4% का रिटर्न दिया, 1 ईयर के अंदर इन्हें अभी तक हमें 35% का रिटर्न दे चुका है। अब देखिए, चार्ट पर समझते हैं। ये देखिए, मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है,
ये देखिए इसमें विक्ट्री साइन जो बन रहा है इस टाइम पे, और ये अपने दो मंथ्स के अप ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि देखिए इस कैंडल पर सपोर्ट रहा है। ये देखिए आज इसने जो, ये समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए आज जो इसने इन्वर्टेड हैमर और हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करा, और इसने आज अपना 100 डेज के एवरेज मूव को भी क्रॉस करा है। और ठीक है, आरएसआई इसका अप ट्रेंड की तरफ है, एमएसईडी सब ट्रेंड का हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है दबा के, ठीक है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और कैंडल भी काफ़ी बुलिश, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड हो रही है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं इसका, ठीक है। VWAP भी अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है, तो ये तीन चार इसमें इंडिकेशन हमें अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब इसमें और भी अप ट्रेंड बाइंग आएगी और भी अप ट्रेंड आएगा। ये देखिए इसमें विक्ट्री साइन जो बन रहा है, ये अपने टू मंथ्स के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जैसे इस कैंडल पे सपोर्ट लेगा, इस कैंडल के बाद से इसमें अप ट्रेंड आई। देखिए इस दोनों कैंडलों की, ये देखिए आप, थोड़ा सा क्लोज करते हैं हम इसको और इसको इधर ले जाते हैं। ये देखिए ये दोनों कैंडल जो है, ये वाली कैंडल 7 जुलाई को होती है, ये दोनों कैंडल सेम अपने बॉटम से बन के तैयार बन रहे हैं, तो इसका हाई जितना गया उतना ही आ जाएगा। तो इसमें जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा 155 रुपये का। मैं इसमें बस दो ही टारगेट दूंगा आपको शॉर्ट टर्म के, कि 20 से 25 दिन में दोनों टारगेट हिट होएंगे, तो आप इसमें 140 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, ठीक है। कल इसमें गिरावट हो तो घबराइए मत, इसमें बाय करके बने रहिए, ठीक है। 20 से 25 दिन में आपको दोनों टारगेट हिट होंगे, पहला टारगेट 155 का, दूसरा टारगेट 160 रुपये। इन दो टारगेट के लिए आप बाय करिए, पैसे बने रहिए। ये देखिए डेली चार्ट पे इन दो कैंडलों पर सपोर्ट लेगा, क्योंकि अभी ये दो मंथ्स का अप ट्रेंड की तरफ है, जब इस पर सपोर्ट लेगा तो 155 तो डेफिनेटली एक वीक के अंदर मार देगा 155। अब देखिए इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसका देखिए वीकली चार्ट ओपन हो चुका है। वीकली चार्ट पे इसने ये भी 21 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अप ट्रेंड की तरफ है लास्ट 2 वीक से, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मूविंग कर चुका है, ये क्रॉस कर लेगा कल के इस वीक के अंदर, तो डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंड आएगा। और इसमें जो मैं दो टारगेट दे रहा हूँ आपको, 15 से 20 25 दिन के अंदर डेफिनेटली सारे हिट होंगे, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न के अंदर जो ये विक्ट्री डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी जो विक्ट्री चार्ट बन रहा है, तो इसका डेफिनेटली इसके अंदर जो करेक्शन होनी थी वो हो चुकी है। शॉर्ट टर्म के टारगेट दे रहा हूँ आपको, डेफिनेटली सब बाय करिए और पेशेंस से बने रहिए। पहला टारगेट आपका 155 का, दूसरा टारगेट 160 का, दो टारगेट आप बने रहिए, पैसे साथ होल्ड रखिए और 140 से स्टॉप लॉस से बाय करिए। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।